नीट परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को जूते और पूरी बांह की शर्ट पहनने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही किसी भी तरह के सामान लाने पर भी रोक होगी। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार सीबीएसई ने धार्मिक परिधान पहनने की इजाजत हालांकि दी है। हमारे साथ हिमांशु मित्तल कोटा से जुड़े हुए हैं। कोटा एजुकेशन सिटी प्रदेश की, जाहिर है यहाँ से भारी तादाद में लोग इस परीक्षा में शामिल होंगे। हिमांशु, नाम नया है लेकिन अहमियत वही है इस एंट्रेंस टेस्ट की। पूरे देश में मेडिकल कॉलेजेस, चाहे वो निजी हो या सरकारी, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट है। किस तरह से तैयारी है स्टूडेंट्स की और वहाँ पर परीक्षा लेने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी? बिल्कुल, हम एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम नीट का एग्ज़ाम आज है और सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एग्ज़ाम होना है। 7:30 बजे से एंट्री जो तमाम सेंटर्स हैं वहां पर शुरू हो जाएगी और देख सकते हैं आप, जो स्टूडेंट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और 7:30 बजे से लेकर के ये एग्ज़ाम होना है। जैसा कि मैंने बताया, माफ़ कीजिएगा, 10 बजे से ये एग्ज़ाम होना है, 7:30 बजे से एंट्री शुरू हो जानी है। और इसके साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर कोटा में कुल 22 सेंटर बनाए गए हैं। 22 सेंटर पर यह एग्ज़ाम होना है। कुल 12,000 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने वाले हैं और इसको लेकर के खास तौर पर तैयारी की गई है ताकि किसी भी तरह से कोई परीक्षा में गड़बड़ी ना हो। हर परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी का इंतज़ाम होगा, तो साथ में जो CBSE ने ड्रेस कोड भी इसके लिए सख्त रखा है। सिर्फ और सिर्फ सैंडल और चप्पल पहन करके ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकते हैं। किसी भी तरह से कोई मेटल की चीज़, घड़ी और इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो जो तमाम परीक्षार्थी हैं उनको लेकर के पहुंचना है, खास तौर पर क्योंकि CBSE ने भी अपनी तरफ से खास तैयारी इस एग्ज़ाम को लेकर के की है। हर सेंटर पर जो पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है, इसके साथ में जो मॉनिटरिंग टीम है वो लगातार हर सेंटर पर जाकर के विजिट करेगी। हिमांशु, संजीदगी समझी जा सकती है, 10 बजे से परीक्षा शुरू है और 7:30 बजे से ही एंट्री शुरू हो जाएगी और अभी से आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वहां पर पहुंचना शुरू भी हो गए सेंटर के बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए।